जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, ओडिया सुख संसार चैनल को बहुत बहुत स्वागत। गरुड़ पुराण अनुसार यही दस टी नियम मानि चलिले घरे सुख समृद्धि बढ़ी थाए, से ही व्यक्ति धनवान होइथांती, से ही घरे माँ लक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्ति होइथाए, माँ लक्ष्मी निजे से घरे आसी विराजमान होइथांती। देखंतु किछि उडे पाइबा को हेले लाइफ रे किछि ना किछि करबा को ही पड़िथाए, निज वास्तुशास्त्र को ठीक करबा को पड़िथाए, जातकले कुंडली ठीक अछि ना देखिबा को पड़िथाए, एवं तासह पॉजिटिव विचार मध्ये रहिबा को पड़िथाए। देखंतु आम हिंदू धर्म रे 18 पुराण रो गोटे पुराण अटे गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण रो बहुत महत्व रही, कारण गरुड़ पुराण रो ही आम बहुत किछि शिखिबा को आम पाइथाउ, जानिबा को मध्ये पाइथाउ, नीति नियम कौन, ज्ञान कौन, शास्त्र कौन, सब किछि आम जानिबा को पाइथाउ गरुड़ पुराण रो। से ही गरुड़ पुराण रो 10 नियम मु आपनकु कहिबे एही वीडियो रे। से ही 10 नियम जदि मानिबे तो आपण घरे केबे टंकार अभाव रहिबो नाही, से ही घर मुरबी घर बाहर मात्र जीवा जगार तांकर काम बनिबो, जीवा जगार से माने सफलता पाइबे, घर को टंका आसिबो, एवं जो माने बिजनेस मध्ये करूछंती तांकर बिजनेस चले चलिबो, रोजगार बहुत बढ़िया रहिबो। देखंतु प्रथम नियमटी हला कोनोसी धर्मस्थान बा धर्म को निंदा करबा उचित नहीं। जेकोसी भी मंदिर आपण देखुंट जदि आप हिंदू अटंती अन्य कौनसी भी धर्म को आपण निंदा करेंगे ना, कि कौन सी भी पूजा पाठ स्थान किसी भी जदि मान रही तो से ही स्थान को मध्य अपमान करूँ ना, देखला मतलब मुंडिया मारतु नमस्कार टे कर दिंतु, कारण जिते आप धर्मस्थान को रेस्पेक्ट देवे आपण को लाइफ में आपन को सेते रेस्पेक्ट मिल। नंबर दुई देखु सब सफा सुतरा ही रहा उचित, जदि चाहूंट जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्ति हो, माँ लक्ष्मी आगमन हो, तो निज शरीर को सब सफा सुतरा रहा उचित, कारण सफा सुतरा ही शुक्रदेव प्रसन्न होती, एवं शुक्रदेव ही अटंती सुख सौभाग्यर कारक, तेणु निज घर तो सफा करी, निज शरीर सफा सुतरा बास्नाजुक्त पाउडर परफ्यूम सब यूज करी, निज को सब बढ़िया गोटे सुगंध निजक रखिए, जोद्वारा माँ लक्ष्मी प्रसन्न हेबे, एवं शुक्र को मजबूत करने माँ लक्ष्मी पूजा अर्चना थाए। नंबर तीन प्रत्येक दिन चौरा बा तुलसी गछ को पूजा करवा उचित, जो घरे प्रत्येक दिन चौरा को पूजा कराए एवं तुलसी पत्र प्रसाद रूप से निया जाए, से ही व्यक्ति आरोग्य ही रही था, से ही व्यक्ति जीवन में दुख आसिले मध्य एते किसी समस्या देखा जाए ना, तांका शरीर स्वास्थ्य ही रही थाए, से माने बहुत फिट रही थांती, एवं तांका मन मध्य शांत रही थाए। नंबर चार प्रत्येक दिन जीवन में किसी ना किसी शिखिबा कथा जो द्वारा निजर ज्ञान बढ़ी थाए, प्रत्येक किसी धार्मिक पुस्तक पढ़ा कथा प्रत्येक दिन, नचे किसी भी जो थी आपण को ज्ञान अर्जन होटे भल ज्ञान अर्जन हो पढ़ा कथा जो द्वारा शिखे आप जी आप शिखे आपणकर ज्ञान से बढ़ आपण बहुत बुद्धिमान हेबे, एवं निजे जदि बुद्धिमान हेबे तो केतटा बड़ बड़ समस्या निज बुद्धि द्वारा हटे पारे। नंबर पांच सब बड़े देखो निज शरीर को सुस्थ रखापी सात्विक भोजन करवा उचित, मांसाहारी भोजन करवा उचित नुहे, जो द्वारा आपण स्वास्थ्य भल रही आप सात्विक भोजन करिबे। नंबर छ प्रत्येक लाइफ रे देखंतु एकादशी व्रत पालन करिबा उचित, एकादशी व्रत पालन करले वैकुंठ प्राप्ति होइथे, तेणु एकादशी व्रत निहाती पालन करिबा उचित, जीवन रे जहाँ भी जन अजन भूल पाप जहाँ भी होइथे जदि व्यक्ति एकादशी व्रत पालन करती तो तांको पाप धोई हो जाए। नंबर सात धैर्य धरिबा, मन को शांत रखा, जदि कहा सहित तो आपणकर आर्गुमेंट हो ही समय रे किछी भी कहिबा तो आर्गुमेंट बहुत बढ़ी जाए, तेणु निज को मनर निज मन को शांत रखा एवं धैर्य धरिबा, कारण अंधार सब बेले रही न था, अंधार पर उज्जवल आसी ही थाए, तेणु यही खराब समयटा सब बेले रही न था, खराब समय पर भल समय निश्चय आसी थाए, तेणु धैर्य धरिबा एवं मन को शांत रखा निहाती जरूरी। नंबर आठ सकारात्मक विचार, सब बेले
निज मन को पॉजिटिव विचार रखिबा उचित। देखंतु जहाँ आपण भाभी थांती ताहा ही अट्रैक्ट करी थांती। जीवन रे जदि आपण भाबिबे कि आपण को लाइफ रे किछि भी नहीं, आपण किछि करि पर्नंती, कोनसी कामर लायक नहीं जदि भाबिबे, तो आपण निहाती कोनसी कामर लायक ही नथिबे। जीवन रे जेते भी जहाँ भी अछि आपण को पाखरे भगवान जेते भी दैछंती सेतिले जदि आपण संतुष्ट हेबे देखिबे आपण को लाइफ रे आहुरी आसीबो, बहुत सुख आसीबो। तेणु सबुबले सकारात्मक ही रहिबा उचित। आज गोटे दिन सकारात्मक होकर रहीगले हुए नी, सबुदिन सकारात्मक विचार रखा उचित। नंबर 9, भोजन दान करिबा पुण्य मिलिथाय। जदि असहाय लोक केही अछंती तो निश्चय किछि भोजन दान करंतु, निजे रांधिकी दियंतु। किछि भोजन दान करिबा द्वारा पुण्य मिलिथाय। जदि आपण आज क्या भोजन दान करिबे तो कल की आपणकर जदि किसी असुविधा समय निहाती आपण को भगवान पहुँचे खाद्य, अर्थात कहा माध्यम रे आपण को भोजन निहाती मिले। देखूँ जहाँ आम ये दुनिया को दे था ही दुनिया आमको दे था, अर्थात आपण जदि प्रेम देवे स्नेह देवे तो निश्चित भाव स्नेह सबकि पाइबे। किंतु जदि आपण राग हिंसा करेंगे क्या देखिकी तो निश्चित भाव आपण को मध्य देखि कहीं राग हिंसा करपारती। से अनुसार जदि आप भोजन जदि क्या दान करेंगे तो आपण को असुविधा समय निहाती आपण प्राप्ति करेंगे। नंबर 10, घरे प्रत्येक दिन पूजा करवा उचित। सकाळ एवं संध्या दुई बेला पूजा करवा उचित, जो द्वारा घर जहाँ भी नकारात्मक थी ता दूर हेबो एवं घरे सब पॉजिटिव एनर्जी रहिबे एवं माँ लक्ष्मी आगमन हेबो। यही 10 नियम मानि चलले आपण घरे सुख समृद्धि बढ़िबा सह से ही घर व्यक्ति सबुबले सुस्थ आरोग्य हो रही, मन शांति रहिबो, जीवा जाकर काम बनिबो, घरे धनधान्य परिपूर्ण हो रही। धन्यवाद।